नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ही काम की है, तो प्लीज़ जितनी भी वीडियोस हैं उनको ध्यान से और अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया था BHEL को लेकर। इस BHEL के वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। एक महीना हुआ, एक महीने के अंदर BHEL ने 28 रुपीज़ से 44 रुपीज़ का हाई बनाया। हमारा अनुमान था 40+, इसके टारगेट्स हमने लगाए थे और इसे पूरा एक ही महीने में अचीवमेंट दिया। 28 रुपीज़ से लेकर 42 रुपीज़ के आसपास का जो हमारा टारगेट था हमारा, इट मेक्स ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न, 32% के आसपास का रिटर्न। दोस्तों, उस समय बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था, लोग ट्रोलिंग भी कर रहे थे कि ये तो BHEL सरकारी कंपनी है, डेट में है, ये है वो है, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि मुझे नंबर्स पसंद है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं सिर्फ स्टॉक्स के नाम के पीछे नहीं जाता हूँ। मुझे स्टॉक्स के नाम में कोई लेना देना नहीं है कि वो अंबानी की कंपनी है या अडानी की कंपनी है। मेरे लिए वो स्टॉक, उसके नंबर्स, वो नंबर्स क्या बोलते हैं, मैं उन नंबर से बातें करने की कोशिश करता हूँ, आपको देने की कोशिश करता हूँ। हिंदुस्तान लीवन पे हमने वीडियो बनाया था, उसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दी। हमने BHEL पे वीडियो बनाया, उससे बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दी। और ये जाके देखिए, 69 डेज 69% रिटर्न। दोस्तों, ये वो वीडियो का एनालिसिस है जहाँ हमने आपको एक महीने के अंदर अंदर, मतलब नॉट एक महीना तो नहीं कहूँगा, बट 31 मार्च के आसपास हमने एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से स्टॉक्स को आपको खरीदना चाहिए और उन स्टॉक्स में जो रिटर्न आई वो उसका प्रूफ हमने एनालिसिस करके इसमें डाला कि क्या रिटर्न आई। 69% तक की रिटर्न दी टाटा मोटर जैसे शेयर ने। चलिए, ये तो बात हुई BHEL की। आज हम इस चैनल पे चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो आपको फिर से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी चीज़ को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और हाँ, एक वीडियो मैंने हाल फिलहाल बनाया है V-shaped रिकवरी या बुल ट्रैप, इसको जरूर देखिएगा, हो सकता है आपके काम आए। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों कि हम चलते हैं investing.com के प्लेटफॉर्म पे। हम investing.com के प्लेटफॉर्म पे इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको, ये वो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्री है, कहीं पे भी कोई भी देख सकता है। हो सकता है किसी के पास एंजल का अकाउंट हो, किसी के पास मोतीलाल का हो, किसी के पास कोई अकाउंट हो, या किसी के पास अकाउंट वो ना हो जिसमें आप एनालिसिस कर सकें। तो अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसी साइट्स का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए जहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपने चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना एक सेटअप बना सकते हैं, जैसे मैंने माई सेटअप बना के रखा है। और आज मैं चर्चा कर रहा हूँ इसी सेटअप में गेल इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स की। पहले चलिए मैं आपके लिए सारे इनको हटा देता हूँ ताकि आपको मैं बताऊँ क्या करने वाला हूँ। दोस्तों, हम गेल के चार्ट को थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गेल की अगर मैं पोजीशंस बना रहा हूँ, जो पोजीशंस मैंने बनाई हैं वो 2 से 3 महीने की मिनिमम पोजीशंस बनाई हैं, हो सकता है वो 4 महीने की पोजीशंस भी हो। डिलीवरी बेस्ड ट्रेड है, प्योर डिलीवरी बेस्ड, इसमें कोई इंट्राडे करने की कोशिश ना करें। इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है, बुक करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं, अपनी स्टडी एनालिसिस ज़रूर कर लें। मैं इसको 1 डे और 1 मंथ चार्ट पे देखने की कोशिश करूँगा। पहले चलिए 1 डे पे देख लेते हैं, क्योंकि मैं डिलीवरी पोजीशंस की बात कर रहा हूँ, 1 डे चार्ट पे कैसा दिखाई देता है। अगर इसको पीछे से देखने की कोशिश करें तो कहीं 190 रुपये के आसपास से। दोस्तों, ये टूल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं कि बार बार इस स्टॉक ने कहां किस लेवल को रेजिस्टेंस बनाया। थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक लेवल था 195-196 के आसपास का, जब इसने कितनी बार इसको टेस्ट किया, 2017 में इसने टेस्ट किया, वहां से गिरा। उसके बाद 2018 में इसने उसको टेस्ट किया, फिर गिरा। 2018 में 2-3 बार इसने टेस्ट करने की कोशिश की, नहीं ऊपर गया। फिर उसके बाद अगर इसको देखें, 2018 में ही सितंबर के आसपास फिर से इसने टच करने की कोशिश की, ये उसके ऊपर नहीं क्रॉस हुआ। मतलब ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर सप्लाई जोन का काम कर रहा है, इसको आप सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट जो फिर दोबारा से जिसने परेशान किया जिस लेवल ने, वो 180 रुपीज़ के आसपास का लेवल था जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाया, वहाँ से फिर गिरा है। और ये गिरावट खत्म हुई है कहीं ना कहीं जाके 60 रुपीज़ के हेर फेर में, 65 रुपीज़ के आसपास इसने बॉटम बनाया। अब 65 रुपीज़ का बॉटम बनाने के बाद ये स्टॉक किस तरह चल रहा है, चलिए अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने एक हायर हाई बनाया है, एक हायर बॉटम बनाया है। देखिए, अगर एक चैनल में, प्रॉपर चैनल में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी कलर आप चाहे चेंज करने के लिए कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये एक, ये आपका एक चैनल हो गया जहाँ पे ये स्टॉक बार बार एक पर्टिकुलर प्रॉपर एक बुल ट्रेंड की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इसी को हम बुल ट्रेंड कहते हैं, जब स्टॉक हायर हाई और हायर लो बनाए, तो ये एक बुल ट्रेंड में एक स्टॉक चला जाता है। मतलब बॉटम बनाने के बाद उसने काफ़ी अच्छी रिवाइवल देने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए, 1 डे चार्ट के ऊपर में फिर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है फिर से, 105-106 का लेवल जो आज भी टच किया है। दोस्तों, आज 9 जुलाई है 2020 की हम बातें कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से उसने स्टॉक को टच किया, फिर से इसको क्रॉस करने में, इसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब नहीं हुआ। बट अगर हम ये मान के चले ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, जो मेरे हिसाब से मेरे अच्छी स्टॉक लिस्ट में आया हुआ है, मेरे रडार में स्टॉक आया हुआ है,
तो ये स्टॉक अच्छी खासी रिटर्न देने की कोशिश करेगा। तो ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है अब अपने को देखने वाली बात ये है। इसके लिए मैं इसका एनालिसिस करने के लिए इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में लेके चलूँगा। बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाने का मतलब है कि चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे फिर से हम सभी चीज़ों को हटा देते हैं, रिमूव ऑल ड्राइंग टूल्स, फिर से कुछ नया ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो सर यहाँ पे अगर आप देखें ये जो लेवल है फिर से एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। 76 ने एक सपोर्ट लेवल का काम किया, 70-75 रुपीज़ के आसपास का जो जोन था ये एक सप्लाई जोन नहीं था, ये एक बाइंग जोन था। यहाँ पे बाइंग जोन का काम किया, जो 190 के आसपास का 180 के आसपास का जो लेवल था वो एक सप्लाई जोन था। तो 76-75 के आसपास में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक बाइंग जोन का काम कर रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो ये एक सप्लाई जोन का काम कर रहा है, ये लेवल देखिए, और ये लेवल देखिए, फिर से लेवल, ये तीनों लेवल हैं बिल्कुल फिर से बाइंग जोन का काम कर रहे हैं। यहाँ से स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बेक दिया। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर से फेस कर रहा है स्टॉक 106-107 के लेवल पे, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। जिनको एनालिसिस आती है अच्छी बात है, जिनको नहीं आती नए लोगों के लिए, खाली बैठे हैं लॉकडाउन में सीखिए, चलिए कोई बात नहीं, अभी कोई क्लास नहीं चल रही है, आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। अब समझिए, ये देखिए चार्ट्स के साथ खेलना सीखेंगे तो समझ में आएगा। फिर से एक सप्लाई जोन का काम करने की कोशिश कर, हो सकता है स्टॉक यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करे, या अगर स्टॉक यहाँ से जैसा हमने वनडे चार्ट पे देखा ये एक बुलिश ट्रेंड में है तो पूरी पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक इसको क्रॉस करेगा, और करने के बाद में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिलेगा इसको कम से कम 130-140 के आसपास में ये जोन टकराना चाहिए। चलिए हम इसको देखने के लिए देख लेते हैं कि चीज़ें क्या निकल गई, कहाँ तक जा सकता है। पहले अपना फिबोनाची देख लेते हैं, अगर हम इस पूरी मूव को देखें, चलिए पहले मूव देखते हैं। स्टार्टिंग से अगर हम समझे ये पूरी मूव यहाँ ख़त्म हुई, मतलब ये जो पूरी मूव ख़त्म हुई, पूरी मूव के 0.618 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको पता हो दिस इज द गोल्डन रेशो, इस गोल्डन रेशो के पास आके स्टॉक ने वापस बाउंस बैक किया। पूरी मूव का 0.618 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है, इस सपोर्ट से बाउंस बैक किया है और 0.5 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशो, अगर इसको 0.5 को देखें, रिट्रेसमेंट बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है, और यहाँ से 0.5 गैन थ्योरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशो में काउंट होता है। तो 106-107 के आसपास जो चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है, और यहाँ से अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है, अब अगर हम इस छोटी मूव को देखें, छोटी मूव क्या कहती है, ये छोटी मूव में ये छोटी मूव ड्रॉ करते हैं, तो छोटी मूव अभी 0.23 और 0.382 के बीच में है, मतलब ऑलमोस्ट 40% रिट्रेसमेंट की बात हो सकती है। अगर 40% भी स्टॉक रिट्रेस कर जाता है तो ये पहला टारगेट स्टॉक का मान के चलिए 115 रुपये पहला टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट जो सेकेंड रेजिस्टेंस ये स्टॉक फेस करेगा, जो पहले भी दिख रहा है 0.5 एक रेजिस्टेंस है, 0.132, तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो 114-115 पहला टारगेट होना चाहिए, सेकेंड टारगेट होना चाहिए 132 के आसपास में, और ये सब क्रॉस करने के बाद में जो थर्ड टारगेट इसको मिलना चाहिए, जो थर्ड रेजिस्टेंस फेस करेगा 153 के आसपास में। तो और यहाँ पे आप देखेंगे कि जाने को क्या है, जाने को बहुत मेजर सपोर्ट जो ले रहा है यहाँ पे, ये एक सप्लाई ये है, इसको थोड़ा हम कलर चेंज करते हैं ताकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ना हो जाए। चलिए रेड, रेड को मतलब 84-85 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप पोजिशनल करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये स्टॉक अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन एक हो रहा है, तीसरी बार टच कर रहा है बॉटम को, वो तीसरी बार बॉटम को टच करके ये बुल फेज में आया है, एक अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस जोन को ये टच करे, जो 0.618 लेवल है 145 के आसपास का, इसको टच करने की कोशिश हो सकती है, यहाँ तक ये स्टॉक रिट्रेस कर सकता है। तो मेरे हिसाब से जो दोज हु वांट टू बाय अपना एनालिसिस कर लीजिए, मेरा एनालिसिस है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे 84 के स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर इस पोजीशंस को बाय किया जाए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 4-6 महीने के हिसाब से, उससे पहले रिजल्ट आ सकते हैं। दोस्तों हमने BHEL की पूरे साल के टारगेट की बात की थी, एक ही महीने में पूरे टारगेट अचीव हो गए, तो अगर इसने भी ऐसा ही कुछ रैली बनाई तो हो सकता है गेल सबको सरप्राइज करे। गेल देखिए करता क्या, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, अभी पूरे देश में लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है, आगे लॉकडाउन होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, तो जो गैस सप्लाई है, गैस सप्लाई का काम गेल करती है कंपनी, ठीक है,
है ना, तो ये आने वाले टाइम में इसकी कंजम्पशन बढ़ सकती है, डायरेक्टली कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर ये रन जो अप ट्रेंड ये स्टॉक दिखा रहा है डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग जोन दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। और जो लोग कैंडल सिक्स पैटर्न में काम करते हैं वो भी देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश कैंडल्स हैं, और ये बुलिश कैंडल्स इसको अपना अच्छा खासा टारगेट देने में कामयाब हो सकती हैं। तो पहला स्टॉप लॉस विल बी 84-85 रुपीज़ जोन, एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 115, सेकंड विल बी 113, एंड फोर्थ विल बी 150-153 के आसपास में। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ। लोग कहते हैं कि याद नहीं रहेगा, SL विल बी अराउंड 84 एंड टारगेट वन विल बी अराउंड 115, टारगेट टू विल बी अराउंड 133-134 के आसपास ले लेते हैं, एंड टारगेट थर्ड विल बी अराउंड 145-150 जोन। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। चलिए, इससे शानदार आपके लिए नहीं हो सकता, ये सब मैंने आपके लिए लिख दिया है। SL 84 रुपीज़ रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस एनालिसिस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अच्छी एनालिसिस, अच्छी इन्फॉर्मेशन ही बाज़ार में पैसा दे सकती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बाज़ार में जितना भी ह्यू एंड क्राई हो, जितना भी क्राइसिस हो, कोई ना कोई स्टॉक आपको सरप्राइज ज़रूर करेगा। कोई ना कोई स्टॉक ऐसे फॉर्मेशन में ज़रूर होगा जिसने अपना बॉटम बना लिया होगा और वो एक अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि बाज़ार में, पूरे बाज़ार में नेगेटिविटी होने के बावजूद भी कुछ स्टॉक्स अपने फंडामेंटल्स के साथ ट्रेड करते हैं, और जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनमें हमेशा बाइंग जोन को जब वो टकराते हैं तो वहाँ से बाइंग आती ही आती है। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे से बाइंग जोन को रिस्पेक्ट किया है और एक अच्छी खासी पुलबैक रैली ये दिखा रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को हमें बनाना चाहिए, अपनी स्टडी कर लीजिएगा। अगर आपकी स्टडी मैच करती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, नहीं मैच करती है इग्नोर कीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस आप इग्नोर करते होंगे, इस वीडियो को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस स्टॉक का आप फिर से एनालिसिस चाहते हैं, जिस मैक्सिमम स्टॉक्स के नाम, जिस एक स्टॉक को मैक्सिमम वोट मिलेंगे, मतलब जो भी लोग ज़्यादा, मुझे लगेगा कि बार बार एक ही स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं, तो कोशिश करूँगा उसके बारे में फिर एक वीडियो लेके आने के लिए। तब तक बने रहिए, एंजॉय कीजिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, जय हिंद।